किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी में आपका स्वागत है। मेरे किसान साथियों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जब आप गोभी की खेती करते हैं, जब बेड की तैयारी करते हैं या मिट्टी की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगले वीडियो में मैंने बताया था कि DAP यूरिया और पोटाश की मात्रा कितनी हो और कब कब दिया जाए। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए और कब कब देनी चाहिए। मेरे किसान साथियों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सल्फर की। तो सल्फर देखिए दो भागों में दिया जा सकता है, लेकिन अगर एक भाग में आपको देना है तो आप कम से कम 4 से 5 kg 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में ही सल्फर मिला दें, मिट्टी में ही सल्फर को दे दें बेड बनाने के पहले। बात हम यहाँ कैल्शियम की करते हैं। कैल्शियम का बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल के लिए, जैसे फसल को सड़ना, फसल के अनेक प्रकार के रोग जो आते हैं, सूख जाना, ऐसे जो फ्रूट लगता है इसमें कैल्शियम की मात्रा की कमी देखा जाता है और पाया जाता है। तो आप कैल्शियम कम से कम 5 से 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम आप अपने खेत में डाल दें बेड तैयार करने के पहले। हम बोरान की बात करते हैं। गोभी की खेती के लिए बोरान बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार का फर्टिलाइजर्स है। बोरान जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर है और इसका उपयोग आप ज़रूर करें अपने प्लांट में, अपने खेत में। तो यहाँ पर बोरान की अगर हम बात करते हैं मेरे किसान साथियों, तो कम से कम 5 से 7 kg 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान अपने खेत में डालना चाहिए, बिखेरना चाहिए। अगर दो भाग में मेरे किसान साथियों, दो भाग में आपको बोरान देना है तो आपको क्या करना है, कम से कम 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान अपने खेत में डलवा दें। और दूसरी बार जब आप बोरान देने जा रहे हैं तो कम से कम 2 से 2.5 kg बोरान जो कि या तो मिट्टी के साथ या तो ड्रिंचिंग के माध्यम से या तो स्प्रे के माध्यम से अपने खेत में डालें। ये डालने का समय गोभी के 30 से 40 दिन के बाद बोरान आप ज़रूर दें। मेरे किसान साथियों, बोरान जो होता है वो गोभी को ग्रो करने में, गोभी को फ्लावर अच्छा करने में बहुत ही अच्छा महत्व रखता है। अगर ऐसे बोरान अपने खेत में देंगे तो आपका जो गोभी होगा बहुत ही अच्छा फ्लावर देगा। यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का भी गोभी की खेती में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है मेरे किसान साथियों। तो मैग्नीशियम कम से कम 6 से 7 kg एक एकड़ में आप अपने खेत में बिखेर देना चाहिए, डाल देना चाहिए। और ये सारे खाद डालवाने के बाद आपको एक प्रॉपर जुताई कर लेनी चाहिए। एक प्रॉपर जुताई करने के बाद बेड की तैयारी करना चाहिए मेरे किसान साथियों। मैग्नीशियम और बोरान सबसे बड़ा महत्व रखता है, उसके बाद कैल्शियम है। तो मेरे किसान साथियों, हम फिर न्यू वीडियो बनाएंगे, नई जानकारी के साथ आएंगे। हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी इसको दबाना मत भूलिएगा।